नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एसपी मोहित हांडा के सख्त निर्देश हैं कि नशे को जिले से समाप्त करना है। इसी को लेकर एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम लगातार नशा तस्करों को पकड़ने का काम कर रही है। देर रात एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने 13 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो लगातार नशा बेचने का काम कर रहा था। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी पर पहले भी नशा तस्करी के 5 मामले दर्ज हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। सेल के इंचार्ज प्रमोद वालिया ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि एक युवक गधौली रोड पर नशा बेचने की फिराक में घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार, सोमनाथ अखिलेश वालिया, योगेश बदशमी, प्रवीण, अमरजीत की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट कृषि विभाग के SDO राकेश कुमार को बुलाया गया, जिनके सामने पकड़े गए युवक की तलाशी ली गई, तो उसके पास से 13 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी की पहचान गधौली कॉलोनी निवासी दीपक उर्फ काला के नाम से हुई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इंचार्ज ने बताया कि आरोपी लगातार 2020 से नशा तस्करी का काम कर रहा है और उस पर 5 मामले नशा तस्करी के दर्ज हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। आरोपी 5 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया और आते ही उसने फिर से नशे का कारोबार शुरू कर दिया। टीम अब आरोपी की प्रॉपर्टी की जाँच करेगी। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौरी की रिपोर्ट। जिला यमुनानगर में माननीय पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा जी के दिशा निर्देश अनुसार नशा बेचने वालों के खिलाफ हर रोज कार्रवाई की जा रही है, जो इसी दौरान कल हमारे को सूचना मिली थी कि चिट्टा मंदिर एरिया में गदौली गांव है, वहां पर एक युवक नशे का कारोबार कर रहा है, जिसके आधार पर हमने टीम को गठित किया और वहाँ पर मुखबिर के आधार पर गदौली एरिया में जाकर मुखबिर के आधार पर युवक को काबू करके उसका नाम पता पूछा, जिसने अपना नाम दीपक उर्फ काला बताया और मौके पर राजपत्रीय अधिकारी को बुला के इसकी तलाशी ली गई, जिसकी पोजीशन से 13 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जो आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला है कि इसके खिलाफ पहले भी NDPS के 5 मुकदमे दर्ज है, जो 2020 से नशे का कारोबार कर रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।